जल प्रदूषण के साथ आजकल बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ प्रदूषण का प्रकार यानी मृदा प्रदूषण है जमीन की श्रेणी कम होती है मिट्टी में अनावश्यक घटकों का बढ़ना यानी मृदा प्रदूषण है मिट्टी में भौतिक जैविक रासायनिक गुणधर्मों में निसर्गता और मानवीय वर्तन के कारण जो बदलाव आते हैं तब मृदा प्रदूषण होता है इसमें मिट्टी की श्रेणी कम होती है मिट्टी अथवा मृदा यह मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण घटक है अन्न धान की पैदाश ऐसी मिट्टी में होती है लेकिन पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भाग बर्फाच्छादित कुछ विभाग रेगिस्तान का तो कुछ भाग पर्वत पहाड़ तथा पर्वतों की श्रेणियों से घेरा हुआ है इसी कारण मानवीय उपयोजन के लिए जमीन बहुत कम है मिट्टी अथवा मृदा का प्रदूषण होने के लिए अनेक घटक कारण बनते हैं इसमें कारखानों का क्षार युक्त आम्ल युक्त पानी मिट्टी में घुल जाने के कारण जमीन बंजर बन जाती है किरणोच्छारी पदार्थ प्रदूषकों के कारण जमीन बंजर बन जाती है खेत में कीटनाशक रासायनिक खाद आदि का उपयोजन समाविष्ट होता है बड़े पैमाने पर कचरा निर्माण होने से कचरा सड़ जाता है और जमीन का प्रदूषण होता है पानी के साथ साथ यह कचरा नदी नाले तक पहुंचता है इस कारण ही पानी प्रदूषण होता है और इसी कारण इसी वजह से जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण आपस में संबंधित है मानवीय मलमूत्र पशु पक्षी उनकी विष्ठा मिट्टी में घुल जाने के कारण दूषित वायु निकलते हैं बदबू आती है और हवा प्रदूषण होता है मृदा प्रदूषण के मानवीय जीवन पर पक्षियों पर प्राणियों पर अनेक विघातक असर होते हैं किरणोत्सारी पदार्थ अन्य प्रदूषक मृदा से पानी और मानव ऐसी सैर करते हैं मृदा प्रदूषण के कारण जहरीले पदार्थ मृदा से पास वाले जलाशय में अथवा भूगर्भ जल में प्रवेश करते हैं यहाँ निर्मित जीव जंतुओं के कारण अनेक रोगों का प्रसार होता है उदाहरणार्थ डी और डी यह डी से अलग हो जाते हैं डी यह माध्यम प्रमाण में जहरीला है अमेरिका ने इस पर उन्नीस में बंधन लाया था दस मिलीग्राम डीडीटी से अतिसार आंखों की जलन गले में खिचकिच मिचली ऐसे असर दिखाई पड़ते हैं इसके अतिरिक्त उपयोजन के कारण मज्जा संस्था किडनी आंतड़ी पर बुरा असर होता है रोग कारक शक्ति पर भी बुरा असर होता है यह पानी में घुल नहीं जाता है इस कारण यह बड़ा प्रदूषक है मृदा में रहने के कारण उसका डीडीई और डीडीडी में रूपांतर होता है डीडीई का असर पंछियों के अंडे के छिलके पतले हो जाने पर होता है मृदा प्रदूषण का कारण घर का कचरा फेंकने लायक पदार्थ होते हैं मृदा और हवा प्रदूषण कम करने के लिए कचरा कम करना है गीले और सूखे कचरे का वर्गीकरण करना है दोस्तों घर से शुरुआत कीजिए गीला और सूखा कचरा अलग कीजिए आसपास के लोगों को भी जानकारी दीजिए ऐसे ही सभी प्रदूषणों को नियंत्रण करना आवश्यक है इसलिए भारत सरकार ने कुछ कानून निर्माण किए हैं इसमें जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम उन्नीस हवा प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम उन्नीस और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम उन्नीस इनका समावेश होता है इन सभी कानूनों का पालन करके प्रदूषण का प्रमाण कम करने में हम सबका सहयोग आवश्यक है इस पाठ में जो हमने सीखा है इसका उपयोजन हम प्रदूषण कम करने के लिए करेंगे मिट्टी में अनावश्यक घटकों का बढ़ना यानी मृदा प्रदूषण है मिट्टी में भौतिक जैविक रासायनिक गुणधर्मों में निसर्गता और मानवीय वर्तन के कारण जो बदलाव आते हैं तब मृदा प्रदूषण होता है इसमें मिट्टी की श्रेणी कम होती है